हेलो फ्रेंड्स, माइक प्रॉब्लम पे फ्रेंड्स जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी फ्रेंड्स, उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम जब कॉल कर रहे हैं तो अगले वाले पर्संस को हमारी कॉल पे बात नहीं पहुंच रही है, मतलब कि आवाज़ नहीं जा रही है, और अगर हम पबजी या फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसके थ्रू वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम्स में मैंने काफ़ी चेक किया तो पता चला कि ईयरफोन है जो बोट रॉकर्स का, इसी के कुछ ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है इसके सॉफ्टवेयर में शायद कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इस टाइप से शो कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो इसका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढा है जो कि आपको काम आएगा बहुत। तो फ्रेंड्स, फटाफट मैं उस सॉल्यूशन को बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल्स के सेटिंग में जाना होगा, गियर आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल पे डेवलपर जो इसमें ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लेना है किसी तरह। वैसे इसमें जो होता है डेवलपर, मेरे पास जो मोबाइल है फ्रेंड्स वो है रेडमी 6A जो कि है, तो इसमें डेवलपर ऑप्शन के लिए आप जहाँ MIUI वर्जन इस पर बार बार टैप करते हैं, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन है उसको अनलॉक कर चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें डेवलपर जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस जो है वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन जो है मेरा कर लिया मैंने, अलाउ सेटिंग कर दिया। फ्रेंड्स इसमें आपको ब्लूटूथ की जो सेटिंग है वो एक सर्च कर लेनी है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लूटूथ की सेटिंग है, ब्लूटूथ HCI स्नॉप लॉक, इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ, और फ्रेंड्स बैक करने के बाद आपको फिर से गियर आइकन पे सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जो भी आपकी जो डिवाइस है तो इसकी जो सेटिंग फ्रेंड्स जो यहाँ पे खुल के आ गए, तो यहाँ पे आपको जो सारे के सारे ऑप्शन है सारे ऑफ़ कर देने हैं, और ऑफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से अनपेयर कर देना है। तो अनपेयर जैसे ही हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स अनपेयर करने के बाद आपको जो आपका ब्लूटूथ है इसको आपको ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना मोबाइल जो है वो रिबूट कर देना है यहाँ पे। फ्रेंड्स इस सेटिंग्स का जो सॉल्यूशन है मैंने काफ़ी लोगों को जो मेरी कमेंट्स आई थी उस पर दिया भी था, तो उसमें मेरे को कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले और मैंने खुद भी इस चीज़ को अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है वो रिबूट होकर के दोबारा से ओपन हो गया है, और इसके बाद फ्रेंड्स मैं गियर आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी सेटिंग में चले जाता हूँ। फ्रेंड्स अब आपको अपना जो ब्लूटूथ है उसको यहाँ पर ऑन कर लेना है, और वापस इसको ब्लूटूथ में जाना है, और ब्लूटूथ में जाने के बाद फ्रेंड्स इसमें देखिए इसको दोबारा से स्कैन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आ गया बूट रॉकर्स, इसको दोबारा से यहाँ पे पेयर कर लेना है, पेयरिंग के लिए मांग रहा है, इसको पेयर कर लेते हैं, और फ्रेंड्स अब ये कनेक्टेड हो गया है। फ्रेंड्स ये सेटिंग करने के बाद अगर आप इसके थ्रू कॉल करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ बिल्कुल 100% जाएगी। मैंने कई जो इसमें बोट रॉकर्स के जो हेडफोन पे ये चीज़ ट्राई करी है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जनरल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस चैनल पे आते ही रहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।